चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी, कक्षा 10वीं की जो आर्थिक विकास की समझ है इसके बारे में हम लोग जान रहे थे। तो एक क्लास में हम लोग इसकी विषय वस्तु जान चुके हैं कि आखिर इस किताब में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से आपके अध्याय होंगे, क्या होगा, उस सभी के बारे में जान चुके थे। आज हम सबसे पहले चलेंगे पहले अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। पहला अध्याय आपका है विकास। और याद रखिए, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और स्टेट पीसीएस की, तो आप समय रहते हुए इन सभी बुक्स को पढ़ लें, क्योंकि बहुत जरूरी है आपके लिए। इनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि इन्हें पढ़े बिना आप लोग कुछ कर बैठे तो कुछ नहीं उखड़ने वाला है। और याद रखिए आप लोग कि कक्षा 6वीं से कक्षा 9वीं तक की हम लोग सभी बुक्स खत्म कर चुके हैं अभी तक, ठीक है। और सभी बुक्स की जो भी पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर डली हुई है। विकास की कई पहलू हैं। इस अध्याय का उद्देश्य विद्यार्थियों को यह विचार समझाना है कि उनके लिए यह समझना आवश्यक है कि लोगों की विकास के बारे में अलग अलग धारणाएं हैं और ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा हम विकास की सामूहिक सूचकांकों को जान सकते हैं। इसके लिए हमने ऐसी स्थितियों का प्रयोग किया है जिन पर वे सहज बुद्धि से प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। हमने ऐसे विश्लेषण भी किए हैं जिनकी प्रकृति से ज्यादा जटिल और बेहद है। दूसरा प्रश्न यह है कि देशों और राज्यों की तुलना में चयनित विकास सूचकांकों के आधार पर कैसे की जा सकती है। इस अध्याय में विद्यार्थी इसका अध्ययन भी करेंगे। आर्थिक विकास को मापा जा सकता है और आय इसे मापने की एक विधि है। सूचकांकों से भी आप लोग कई देशों की स्थिति के बारे में पता करते हैं कि किस स्थिति में आप देखते हैं लोकतंत्र में उसकी स्थिति क्या है, आर्थिक रूप से कितना पिछड़ा हुआ है, आप समझ रहे हैं। तो इनसे भी आप लोग विकास की अनुमान लगा लेते हैं। यद्यपि आय के द्वारा विकास मापने की विधि उपयोगी है, इसके कुछ दोष भी हैं। इसलिए हमें जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरण की धारणीयता जैसे नए सूचकांकों के प्रयोग करने की आवश्यकता भी है। आपके लिए अपेक्षा करना आवश्यक है कि विद्यार्थी उपयुक्त विषय पर कक्षा में सक्रिय प्रतिक्रिया दिखाएं। इस विषय पर विद्यार्थियों की राय में काफी अंतर हो सकता है, वो इस पर विवाद होना भी संभव है। विद्यार्थियों को अपने अपने दृष्टिकोण रखने दीजिए। हर खंड के अंत में कुछ प्रश्न और क्रियाकलाप दिए गए हैं। इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, वे इस भाग में चर्चित विचारों को संक्षिप्त में बताते हैं। दूसरा, वे विद्यार्थियों को उनकी वास्तविक जीवन परिस्थिति के निकट लाकर इन विषयों को बेहतर तरीके से समझने की योग बनाते हैं। सीधा सा कहने का मतलब ये है कि जो आपके क्वेश्चन स्लॉट में दे दिए जाते हैं उसे पढ़कर आपको पता चल जाता है कि इस चैप्टर को आपने किस तरह से देखा है या किस तरह से पढ़ा है, समझ में आया या नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया तो एक एक से दो बार और आप चैप्टर पढ़िए। मुझे लगता है कि आपकी एनसीईआरटी की कोई भी बुक्स आपको नहीं मिलेगी जो आपको समझ में ना आए, क्योंकि इसके जो भी चैप्टर लिखे गए हैं बहुत ही साधारण शब्दों में लिखे गए। जहां समझाने की बात की गई है तो वहां कहानी का रूप देकर उसे समझाया गया है। अगर आप अच्छे से मन से धैर्य रखकर पढ़ते हैं तो एक से दो बार में आराम से आपका जो पढ़ने का उद्देश्य है वो पूरा हो सकता है। बस आपको धैर्य रखकर पढ़ना होगा। इस अध्याय में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनका स्पष्टीकरण आवश्यक है, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर, उपस्थिति दर, जीवन प्रत्याशा, सकल नामांकन अनुपात और मानव विकास सूचकांक। इन शब्दों से संबंधित आंकड़े दिए गए हैं तथा इन्हें पूर्ण रूप से समझने के लिए इनका विस्तार से अध्ययन आवश्यक है। आपको क्रय शक्ति क्षमता की अवधारणा को भी स्पष्ट करना होता है, जिसकी तालिका 1.6 में प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए प्रयोग किया गया है। यह आवश्यक है कि इन शब्दों का प्रयोग चर्चा में सहायक के लिए किया जाए ना कि उनके कंठस्थ करने के लिए। एक बात आप लोगों ने देखी होगी कि जब आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, जो स्पेशल बुक्स लिखी जाती हैं, उसमें आपको कभी इस तरह से नहीं समझाया जाएगा कि जो अभी इसमें एनसीईआरटी में समझा दिया जाता है। अब यहाँ आपको बता दिया जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, साक्षरता दर क्या होती है, शिशु मृत्यु दर क्या होती है, उपस्थिति दर क्या होती है, जीवन प्रत्याशा क्या होता है, सकल नामांकन अनुपात क्या होता है, मानव विकास सूचकांक क्या होता है। इससे क्या आपका इनकी परिभाषा आपको पता चल जाएगा एक साधारण रूप में। तो उसके बाद कभी भी ये शब्द आते हैं अगर आपके दैनिक जीवनचर्या में तो आप आराम से समझ सकते हैं कि इसका मतलब ये होता है। इसीलिए आपको यही बेस क्लियर करने के लिए आपको कहा जाता है कि आप एनसीईआरटी कम से कम 2 से 3 बार तो पढ़ ही लें। जब भी आपको समय मिलता है पढ़ लीजिए।
या ऐसा भी कर सकते हैं कक्षा आठवीं तक की, छठवीं से कक्षा आठवीं तक की आप लोग एक से दो बार पढ़ लें, उसके बाद आप लोग दो से तीन बार आप लोग कम से कम 9 से 12 की पढ़ लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसमें आपके सूचना के स्रोत दिए गए, यानी कि जहाँ से इस किताब में जो भी आपके समाहित होंगे आंकड़े उनके हैं, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी हैंडबुक, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण। याद रखिए बजट और आर्थिक सर्वेक्षण जिस साल आप पेपर दे रहे हो उस साल आप लोग बहुत अच्छे से इसे पढ़ लिया करिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम के मानव विकास रिपोर्ट और विश्व बैंक विश्व विकास सूचकांक द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों के लिए से लिए भी इसमें जो भी आंकड़े रहते हैं, और ये रिपोर्ट हर वर्ष प्रकाशित किए जाते हैं, इन्हीं से आपके लिए गए हैं, ठीक है आंकड़े। चलिए अब हम मेन पर चलते हैं। विकास, विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कौन देश कैसा होना चाहिए, कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है। यह काम जटिल है और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप उच्च कक्षाओं में इन मुद्दों को और अधिक गहराई से, यानी कि आगे की कक्षाओं में और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे आप लोग। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी मिलेंगे। ऐसा इसलिए कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है, यानी कि आप इतिहास किसे कहते हैं, एक तरह से जो बीत चुका है हमारा, जैसे आज हम लोग काम कर रहे हैं, जो भी आप करेंगे एक दिन इतिहास बनेगा, आगे चलने के हमारी जो पीढ़ी आएगी वो हमारे बारे में पढ़ेगा। आज आप जो भी करते हैं वो इतिहास पर डिपेंड है, यानी कि इतिहास बनेगा। अगर आपका कुछ नाम रहता है तभी आपकी इतिहास में जगह दी जाएगी, वरना आप समझ सकते हैं कि 35 से 40 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है, हर किसी को थोड़ी याद रखा जाता है। आज से भी पहले हजारों लोग करोड़ों लोग हुआ करते थे, क्या उन सबको याद रखा जा रहा है, नहीं ना। तो आपके जीवन पर निर्भर करता है कि आप किस उद्देश्य से जीते हैं, कैसे जीते हैं। हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते हैं। इस तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। मेरे बगैर वे विकास नहीं कर सकते, इस व्यवस्था में मेरा विकास नहीं हो सकता है। ये देख रहे हैं साधन, सुविधाएं, टीवी। विकास को एक सीधी सी प्रक्रिया, आप लोग सीधा सा शब्द लीजिए कि मतलब हमारे जीवन में जो भी सुधार होते हैं उसी तरह से आप कह सकते हैं कि यही तो विकास है। विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य। यदि हम कल्पना करने का प्रयास करें कि तालिका 1.1 में 1.1 में दी गई सूची के अनुसार लोगों के लिए विकास का क्या अर्थ हो सकता है, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं, आप देखेंगे कुछ स्तंभ अधूरे भरे हुए हैं। इस तालिका को पूरा करने की कोशिश कीजिए, आप चाहे तो किन्हीं और श्रेणी के व्यक्तियों को जोड़ सकते हैं। तुम एक काल चाहते हो, अभी देश की जो स्थिति है उसमें तुम यही आशा कर सकते हो कि काश तुम्हारे पास एक रिश्ता होता। एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को कि इस तरह की तालिका में अगर आपको एक से दो बार में समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना पढ़ के निकल जाइएगा, कुछ ज्यादा इसमें दिमाग मत खपाना। भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, विकास के लक्षण की बात करें अगर आकांक्षाएं, काम करने के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी, स्थानीय स्कूल अनेक बच्चों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सक्षम, कोई सामाजिक भेदभाव नहीं और गांव में वे भी नेता बन सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर हैं उनकी क्या लालसा होगी, यानी कि उनकी क्या आकांक्षाएं होंगी। यही आकांक्षाएं कि उनके बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा मिले, बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर मजदूरी यानी कि रोजगार मिले, इससे ज्यादा उनका क्या लेना देना। उन्हें ना तो आपकी दुनिया देश दुनिया से मतलब है, उनके लिए बस उनका पेट भरे, उनके बच्चों को बेहतर जिंदगी मिले, बस। अब बात कर सकते हैं कि पंजाब के समृद्ध किसानों को उनकी उपज के लिए ज्यादा समर्थन मूल्य और मेहनती और सस्ते मजदूर द्वारा उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना, ताकि वे अपने बच्चों को विदेशों में बसा सके। एक तरह से आप वही कह सकते हैं कि आपके जब
स्थिति बदलती जाती है तो आपकी आकांक्षाएं भी बढ़ती जाती हैं। आपने भूमिहीन के साथ ग्रामीण मजदूरों की आकांक्षाओं को देखा है, उनकी आकांक्षाएं कितनी सीमित हैं। उसके बाद आप आगे बढ़े, पंजाब के समृद्ध किसान, जो हमारे देश में समृद्ध किसान है, उनकी आकांक्षाएं और बढ़ जाती हैं। किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है, उनकी आकांक्षाएं क्या हो सकती हैं? उनकी आकांक्षाएं यही हो सकती हैं कि आप उनके लिए बेहतर सिंचाई की सुविधा हो जाए, या डैम वैम इस तरह की उनकी खेती के लिए पूरी सुविधा हो जाए। उनकी इससे ज्यादा कुछ आकांक्षाएं नहीं होंगी, क्योंकि आप देखते हैं कि आपकी खेती जो होती है कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, यानी कि अगर वर्षा अच्छी हुई, मानसून अच्छा रहा तो खेती बढ़िया होगी, अगर नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं। भू स्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो कोई आप एक तरह से जागीरदार मान लीजिए, या गांव का जो जिसके पास भूमि काफी है, उसमें उस परिवार की एक महिला की क्या इच्छा होगी कि बेहतर जिंदगी रहे, वो अपना मतलब आगे बढ़ पाए। लेकिन अधिकतर आप देखते हैं कि अभी भी शहरी बेरोजगार युवाओं की बात करें हम लोग, तो इनकी आकांक्षाएं क्या हो सकती हैं कि इन्हें बेहतर रोजगार मिले। समझ गए, नॉर्मल सी बात है कि मतलब शहरी बेरोजगार क्या सोचेंगे युवा कि उनके रहन सहन की सुविधा हो जाए और इतना आय होने लगे कि उनका काम चलने लगे। शहर के अमीर परिवार का एक लड़का, उसकी और आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, बेहतर जिंदगी हो, बेहतर मतलब आप समझ सकते हैं विदेश जाने की इच्छा। शहर के अमीर परिवार की एक लड़की है, उसे अपने भाई के जैसी आजादी मिली, वह अपने फैसले खुद कर सकती है, वह अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है। हर की देखिए अपनी अपनी आकांक्षाएं। नर्मदा घाटी का एक आदिवासी क्या सोचेगा? आदिवासियों की भी यही समस्या है कि उनकी बेहतर रोजगार उनकी जिंदगी में मिल जाए, क्योंकि इतनी उनके पास सुविधा नहीं रहती कि वो अपने बच्चों को भी पढ़ा सकें बेहतर तरीके से। तो यही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाने पीने की व्यवस्था हो सके। देखिए मुझे लगता है कि जहां तक कि हर व्यक्ति की आकांक्षाएं अपनी अपनी अलग अलग है, समझ रहे हैं आप लोग। एक छोटा आदमी होगा गरीबी में जी रहा होगा तो उसके लिए छोटी आकांक्षाएं होंगी, और एक मुझे लगता है ये उसी तरह से है जैसे आपने देखा होगा कि एक पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है। देखिए पर्यावरण पर सबका अधिकार है उतना ही, फिर चाहे किसी आप जानवर का ले सकते हैं, पक्षी का ले सकते हैं, इंसान का भी, लेकिन पक्षी फिर चाहे जानवर कोई हो उसकी आकांक्षाएं कम है, उसका पेट भरता है और वो अपना काम जिंदगी धर्म अपना निभाती रहती है। गाय को आप ले लीजिए ना उदाहरण के रूप में, कुत्ते को ले लीजिए आप लोग, कुत्ते का पेट भरना चाहिए, वो इतना तो नहीं कहता है कि उसे जोड़ के रखना है कि आने वाली पीढ़ी के लिए होना चाहिए, लेकिन एक इंसान को आप देख सकते हैं कि उसकी आकांक्षाएं और बढ़ जाती हैं, आशाएं और बढ़ जाती हैं कि उसके पास अगर एक घर है तो वो सोचता है दो घर हो जाए, उसके पास छोटी कार है तो वो सोचता है बड़ी कार हो जाए। आप ही अपनी जिंदगी में देख सकते हैं कि आपके पास अगर एक सस्ता फोन है तो आपकी आकांक्षाएं रहती हैं कि एक बड़ा फोन हो, एप्पल का फोन हो, ए हो, गाड़ी हो, VIP हो, समझ रहे हैं? तो वही हाल है। मेरा मानना यही है कि आशाएं रखना अच्छी बात है, लेकिन खुश उसी में रहिए जो अभी आपके वर्तमान में जो आपके पास है, क्योंकि कुछ ज्यादा ही आकांक्षाएं अगर हम जीवन में रखने लगते हैं तो दुख होने लगता है। तालिका 1.1 को भरने के बाद अब इसका निरीक्षण करें, क्या इन सभी लोगों की विकास की या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार है? बिल्कुल नहीं, संभवता नहीं है। इनमें से हर एक अलग अलग चीजें पाना चाहता है, वे ऐसी चीजें चाहते हैं जो इसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात वे चीजें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सकें। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या फिर दो गुट ऐसी चीजें चाह सकते हैं जिनमें परस्पर विरोध हो सकता है। एक लड़की अपने भाई के समकक्ष आजादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा की आशा रखती है। हो सकता है कि भाई को यह पसंद ना हो, इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज्यादा बांध चाहते हैं, लेकिन इससे जमीन जल मगन हो सकती है, उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाएंगे, जैसे कि आदिवासी इसमें आते हैं। वे इसका विरोध कर सकते हैं, हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चेक बांध या फिर तालाब पसंद करते हैं। इस तरह दो बात साफ है कि एक अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, दूसरा एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो, यहां तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। एक बात आप लोगों ने देखा होगा, क्या देखा होगा कि एक बच्चा जन्म लेता है, 1 से 2 साल का होता है, जब उसकी
सोच इतनी विकसित नहीं हुई होती है उस समय। उसके सामने एक आप लोग 10 लाख रुपए रख दीजिए, एक खिलौना रख लीजिए, रख दीजिए, वो क्या उठाएगा? खिलौना। क्योंकि उसकी मतलब सोचने की अलग अलग आकांक्षाएं हैं, यानी कि उसकी आशाएं अलग अलग हैं, समझ रहे हैं? और आप होंगे तो आप तो अब लालच अपना समझते हैं। अब इस तरह भी आप देख सकते हैं कि चित्रों को आप समझा करिएगा। ये भी कई बार आपके देखा होगा, बचपन में भी आप लोग देखते रहते हैं कि चित्र दे देते थे, उस पर आपका अपना विचार रखना होता था। इनका क्या सपना है, आकांक्षाएं कि इनके पास एक कार हो, लेकिन यहाँ देख रहे होंगे आप लोग एक क्या धुआं छोड़ रही है। इस तरह के लोग विकसित होना नहीं चाहते हैं। आप सोचिए एक बात कि इनका जो आकांक्षाएं और इनकी जो आकांक्षाएं, दोनों विरोधाभासी हैं। ये पर्यावरण से बचने के लिए काम कर रहे हैं और ये आप समझ सकते हैं। आगे त्रय, आय और अन्य लक्ष्य। आय और अन्य लक्ष्य, आप अगर एक बार फिर तालिका 1.1 में देखें तो एक बात समान पाएंगे कि लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिले। दूसरे शब्दों में, वे ज्यादा आय चाहते हैं। इस बात का मैं हमेशा कहता आया हूं कि आपको देश में किसी किसान का ऋण माफ करने की जरूरत नहीं है। किसानों को बेहतर आप लोग बीज उपलब्ध करा दीजिए, उनकी मिट्टी का हर समय चेक होती रहे, मतलब उसकी जांच होती रहेगी, उसमें क्या कमी है, उसमें क्या जरूरत है। आप सोचिए बेहतर उनकी जो भी कीमत होगी उत्पाद, जो भी गेहूं उत्पादन कर रहे हैं, या सरसों कर रहे हैं, चना कर रहे हैं, मटर कर रहे हैं, सोयाबीन कर रहे हैं, तो इसकी बेहतर उन्हें कीमतें मिलती रहे। और किसी को देखिए शिक्षा मिलती रहे, स्वास्थ्य मिलता रहे, इससे ज्यादा उनकी आकांक्षाएं क्या हो सकती हैं? उनका काम इससे चल सकता है और बेहतर जिंदगी अपनी बना सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि किस तरह से हमारी रोटी सिकती आई है 70 साल से, हमारे यहाँ ना तो कुछ सुधार आपको देखने हुआ है। विकास, ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है, लेकिन हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कई क्षेत्रों में बस रोटी सेकने का काम किया है। एक गरीबी के मामले में आपने खुद देखा है कि 70 साल से हर कोई चिल्लाता आ रहा है, इस पर कई नेता रोटी सेक कर चले गए और कई नेता रोटी सेकते आ रहे हैं, लेकिन गरीबी का वही हाल है, गरीबों का वही हाल है, समझ रहे हैं? किसी भी तरह से ज्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर, मिलने की इच्छा भी रखते हैं। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुओं ही पर्याप्त नहीं है। ये आप अभी भी देखते हैं कि जो भेदभाव का है, आप सोचिए 1955 में एक अधिनियम आता है, उसके बाद 1976 में उसमें संशोधन होता है, उसके बाद आप 1993 में देखते हैं, 1995 में देखते हैं, अभी भी आप देखते हैं कि कई जगह आदिवासियों को घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता है शादी में। इस तरह का भेदभाव आप अभी भी देखते रहते हैं। मतलब सोचिए कि 70 साल के बाद भी हमारी सोच वहीं रुकी की रुकी हुई है। अभी भी आप कैसे कर सकते हैं कि महिलाओं को बराबर के अधिकार मिले हुए हैं? आप ही सोच लीजिए कि आपके यहाँ सांसद की बात, केवल लोकसभा सदस्यों की बात कर रहा हूं, बाकी को छोड़ दीजिए, मैं बाकी पर कभी नहीं जा रहा हूं, केवल 78 महिलाएं चुनी जाती हैं 545 में से। आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति हो सकती है, कि मतलब आधी आबादी है महिलाओं की, फिर भी 78 केवल महिलाएं चुनी जा रही हैं। एक दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री में अभी तक, मतलब 70 साल में आपका प्रधानमंत्री 1947 से अभी तक, एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सिर्फ दी गई है, मतलब महिलाएं महिला के रूप में उन्हीं ने काम किया है, बाकी पुरुष रहे हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि पुरुष प्रधान आपका देश है। दूसरी तरफ आप राष्ट्रपति में देखिए तो विधवा पाटिल साहब, बस उन्हीं एक ही महिलाएं चुनी गई अभी तक के, तो ये असमानता नहीं है तो आप क्या कह सकते हैं? पूरी तरह से अभी भी इन्हें खत्म नहीं किया गया। द्रव या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर ही निर्भर करता है। अगर आपको यह बात स्पष्ट नहीं लगती है तो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में जरा सोचिए। आपको उनकी मित्रता की इच्छा हो सकती है। इस तरह और भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आसानी से मापा नहीं जा सकता है, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। इनकी पराया उपेक्षा कर दी जाती है, लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा, जिसे मापा नहीं जा सकता है वह महत्व नहीं रखता है। एक बात आप लोगों ने देखा होगा कि आज से कुछ सालों पहले क्या हुआ करता था,
कि कहा जाता था कि गोरे और कालेपन का बड़ा मतलब भेद हुआ करता था, कि मतलब कोई आप सोचिए कि गोरे को महत्व दिया जाता हो और काले को महत्व ना दिया जाता हो, तो जो काला होगा व्यक्ति, जिसका सांवला यार रंग होगा, जिसका काला रंग होगा, उसके दिमाग में क्या होगा, अपने आप को नीचा समझने लगेगा। नॉर्मल सी बात है, आप सोचेंगे, अगर आप सोचेंगे कि मतभेद रहे आपका, मतलब एक समाज के साथ भेदभाव किया जाए, तो उसमें जो व्यक्ति रह रहे होंगे वो अपने आप को खुश नहीं रख पाएंगे, समझ रहे हैं? तो आप सोचें कि पैसा सब कुछ हो जाएगा, इस तरह से भौतिक वस्तुओं ही पर्याप्त होती है जीवन में जीने के लिए, तो ये बिल्कुल नहीं है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई में वृद्धि किए जाने के विरुद्ध ये प्रदर्शन है। नर्मदा नदी पर आपने जो सरदार सरोवर बांध की बात की जा रही, इसी की बात की जा रही, इससे क्या हो रहा था कि ऊंचाई बढ़ने से इसमें जल स्तर भी बढ़ रहा था और इसके चपेट में कई गांव भी इसमें आ रहे थे, इसी को लेकर एक विरोध किया जा रहा था। एक और उदाहरण देखिए, अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है तो उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा, या सीखने के क्या अवसर होंगे। दूसरी नौकरी में यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं, और हो सकता है कि आपके परिवार के लिए पर्याप्त समय भी ना मिले, इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो सकती है। आप लोग सोचिए कि कहीं भी आपको अगर जॉब दी जाती है, तो अगर आप सोचिए कि कहीं ग्रामीण क्षेत्र में आपको 10,000 की मिल रही है, और अगर अगर आपको दिल्ली जाकर 20,000 की जॉब मिल रही, तो आप, मुझे लगता है कि आप बेहतर अपने गांव में ही 10,000 की जॉब करना चाहेंगे, क्योंकि आप दिल्ली जाएंगे तो वहां उस हिसाब से आपको खर्च उठाना पड़ेगा। आप सोचिए, एक फ्लैट लेंगे तो कम से कम 10,000 का आएगा, एक परिवार के लिए एक रूम ही ले लीजिए, समझ रहे हैं? वहां रहने आने का खर्च, तो आप समझ सकते हैं कि उतनी आय आपकी सुटेबल नहीं रहेगी। और दूसरे कई तरह के आप लोग देखते हैं कि सुविधा आपके परिवार के रहने के लिए, आपके स्वास्थ्य की व्यवस्था है, इस तरह से कई आप फैक्टर देखते हैं, ठीक है? और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि वहां आप वहन कर पा रहे हैं, जो भी आपकी क्रय क्षमता है उसे देखते हैं, कि जो आपको वेतन मिल रही है क्या उसमें काम चल सकता है। आप ही सोचिए, अगर जहां आपको 50,000 वेतन मिल रही हो, 55,000 खर्च होने की उम्मीद हो, आप वहां किस लिए जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतन भोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है, तथापि यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके कामकाज में ज्यादा हाथ बटाया जाएगा और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या फिर व्यापार कर सकती हैं, इसीलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते हैं, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीजों के बारे में भी होते हैं। एक बात आप लोगों को याद दिला देता हूं, शायद आप जाते होंगे, ऑफिस जाते होंगे तो कितने 6 से 7 घंटे 8 घंटे काम करते होंगे, लेकिन घर में एक महिला को कभी देखिए, चाहे अपनी अपने आप को उस महिला की जगह देखकर कभी सोचा करिए, जब आपके दिमाग में कोई सवाल सॉल्व ना हो रहा हो तो उस व्यक्ति की जगह अपने आप को रख लिया करेगा। मुझे लगता है कि बेहतर हम परिस्थितियों को समझ पाते हैं। अभी लॉकडाउन के समय कई लड़कों को देखा मैंने, बच्चों को देखा, कि बड़े भद्दे कमेंट किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, बहुत भद्दी भद्दी जो आपकी पोस्ट है वो डाली जा रही है सोशल मीडिया पर, गरीबों के बारे में उल्टा सीधा लिखा जा रहा है। उसके बाद मुझे लगा कि यार ये गलत है, फिर मैंने कई उन्हीं से पूछा कि उनकी जगह अपनी माँ बाप बहन को देख के, एक महिला रोड पर अपने बच्चे को जन्म दे देती है, उसकी जगह आपकी माँ होती तो आप क्या बोलते सरकार के बारे में? क्या आपका भरोसा रहता सरकार पर? क्या उन जो रेलवे की पटली के नीचे आए हुए रेल की ट्रेन के, उनके बारे में आप कभी अपने आप को वहां रख के देखिए, अपने घर परिवार के मेम्बरों को, तो वो मतलब चुप हुए। मुझे लगता है कि हम बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं, हम किसी की परिस्थिति को नहीं समझते हैं। वो कहावत है ना कि दूसरे के दुखों दुख हमें सिर्फ मजाक लगते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर खुद दुख बीतते हैं तब हमें पता चलता है कि आखिर ये भी दुख होता है। तो यही महिलाओं की स्थिति है। क्या है महिलाओं की स्थिति, कि आप सोचिए कि आप बाहर 6 घंटे काम करते हैं तो आप कितनी दबंगी दिखाते हैं। कभी महिला की उस अपनी बीवी या अपनी माँ बहन बेटी किसी कोई भी हो, उसकी जगह अपने आप को देखिए। सुबह मुझे लगता है 4 से 5 बजे उठ जाती है,
उसके बाद देखिए आप लोग कि 10 बजे के पहले नहीं सोएंगे, दिन भर काम में लगे रहेंगे, कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे, और एक दिन का उनका काम नहीं है। आप देखेंगे साल में मुझे लगता है कि हर समय वो व्यस्त ही बनी रहती, आपसे ज्यादा मेहनत करती है, लेकिन आपसे कम उन्हें सुविधा दी जाती है, आपसे कम उनके सम्मान किया जाता है। अगर कोई महिला बाहर काम करती है तो आप देखते हैं उसकी स्थिति सुधरती है। समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन है इसी से संबंधित, आप लोग ध्यान दे सकते हैं, पढ़ते रहिए। अब बात करते हैं राष्ट्रीय विकास के बारे में। किसके? राष्ट्रीय विकास। जैसा कि हमने ऊपर देखा है कि यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न हैं, यानी कि अलग अलग हैं, तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी अलग अलग ही होगी। आपस में इस विषय पर चर्चा कीजिए कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपयुक्त प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए होंगे। हो सकता है आपने स्वयं इन प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोच लिए हों। उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित हो, निश्चित ना हो, यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती हैं। सीधा सा कहने का मतलब है कि आप कहें कि एक देश अच्छा है तो आपके नजरिए में किसी दूसरे एंगल से आप लोग अच्छा उसे बता रहे हैं। कोई दूसरा होगा, आपका दोस्त होगा या आपका कोई भी मेंबर होगा, वो क्या करेगा कि दूसरे नजरिए से उसे देखेगा, कहेगा इस हिसाब से ये विकासशील देश है। समझ रहे हैं? लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर महत्व दिया जा सकता है? यदि हाँ, या यदि परस्पर विरोधी हैं तो निर्णय कैसे किया जाए? सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राय क्या होगी? हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है? क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही? राष्ट्रीय विकास का अभिव्याय इन सभी सब प्रश्नों पर विचार करना है। आओ इन पर भी विचार कर लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित स्थितियों पर चर्चा कीजिए। दाहिनी ओर दिए गए चित्र को देखिए। इस प्रकार के चित्र में कि विकासात्मक लक्ष्य क्या होना चाहिए? इस अखबार की रिपोर्ट देखिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा ना कि इस तरह के चित्र आपने देखा होगा कि कई जगह आपको दे दिए जाते हैं, इनके बारे में विचार लिखने के लिए कहा जाता है। इससे क्या होता है, आपकी सोच विकसित होती है। एक तरफ आपको दिखाया जा रहा है कि ये VIP मल्टी बनी हुई है, यानी कि 2 से 3, 4, 5, 6 कई 10, 10, 15, 15 मंजिल मकान। उसके बाद आप देखेंगे एक तरफ आपकी झोपड़ी। ये वही हाल है कि मुंबई में आपने देखा होगा कि एक तरफ तो बड़े बड़े महल खड़े हुए टाइप के, और दूसरी तरफ खाने के लिए नहीं और झोपड़ी में बच्चे देखने को मिलते हैं। इसे आप लोग देख सकते हैं, अपने हर शहर में भी आपको देखने को स्थिति मिलेगी। आप लोग कभी इन तरह की झोपड़ियों की तरफ भी जाकर देख लिया करिएगा, बेहतर समझ में आएगा। तो इनके लिए आपका, इनके लिए विकास का आधार क्या होगा? जो नीचे के लोग होंगे इनके लिए यही होगा कि इनके लिए बेहतर रोजगार मिले, बेहतर सुविधा, जिंदगी, जो भी पानी की आप समझ सकते हैं, या पानी की भी व्यवस्था बहुत बुरी होती है, गंदा पानी मिल रहा है देखने को। और इन लोगों की देखिए कि ये लोग क्या चाहेंगे कि VIP देश में उन्हें सुविधा मिले, कम भीड़ भाड़ मिले उन्हें, मतलब अगर टैरिफ कहीं अपने काम से जा रहे हैं तो टैरिफ भी कम रहे, विदेशों में जाने की अच्छी सुविधा रहे। तो एक तरह से आप उसी तरह से लिख सकते हैं कि आपकी जरूरतें अलग हैं। और अगर आप इस महलों की सोच रहे हैं, आप इसमें रह रहे हैं, तो कभी इनकी जगह अपने आप को रखिए। और अगर अपने आप को यहाँ से रख, यहाँ आप रह रहे हैं झोपड़ियों में, तो आप कभी अपने आप को यहाँ देखिए रखकर, आपको अपने आप आपकी चाहतें बढ़ जाएंगी। एक जहाज ने 500 टन तरल जहरीले अवशेष एक शहर के दूसरे खुले घर और आसपास के समुद्र में डाल दिए। यह अफ्रीका देश के आइवरी कोस्ट में अभी अविद्यान शहर में हुआ। इन खतरनाक जहरीले अवशेषों से निकलने वाले धुओं से लोगों ने जी मितलाना, चमड़ी पर ददोरे पड़ना यानी कि फोड़े पड़ना, बेहोश होना, दस्त लगना इत्यादि की शिकायत की। एक महीने के बाद 7 लोग मारे गए, 20 अस्पताल में भर्ती हुए। विषाक्तता के कारण 26,000 लोगों का इलाज किया गया। पेट्रोल और धातुओं से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज से जहरीले पदार्थ फेंकने के लिए ठेका दिया था। आप लोगों ने कई साउथ की मूवी देखी होगी, उसमें क्या होता है कि कई इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं और कई प्रदूषणकारी सामान होते हैं, जो आपने देखा होगा कि विदेशी क्या करते हैं, उसमें ले आते हैं, एक मूवी से आप समझ सकते हैं, और वो डंप ले आते हैं, वहां से ले आके हमारे देश में फैला देते हैं, हमारे देश में भेज देते हैं। कायाकल्प,
यदि विकास की धारणा में ही भिन्नता और परस्पर विरोध हो सकता है तो निश्चित रूप से विकास तरीकों में भी भिन्नता हो सकती है। अगर आप ऐसी किसी विवाद से परिचित हैं तो आप विभिन्न व्यक्तियों के तर्क जानने का प्रयास कीजिए। यह आप लोगों से बातचीत करके या फिर अखबारों टेलीविजन के माध्यम से जान सकते हैं। जो भी इस तरह के क्रियाकलाप होते हैं उन्हें अगर एक बार में आपको समझ में आ रहा है तो आ रहा है, वरना ठीक है पढ़ के निकल जाया करिएगा। मैं यही बोलता आया हूँ कि हमेशा आपसे कि आपको एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको नॉर्मल पता चलेगा, दूसरी बार आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या शब्द आपके लिए जरूरी है। आपको समझना है, आपको कुछ शब्दों की परिभाषा जाननी है और आपको अपना बेस बनाना है। आपको आप सोचें कि आपको कक्षा 10 की बुक्स पढ़ के पेपर नहीं देना है, इसे कि कक्षा 10 की पूरी रट के आपको पेपर आए उसमें लिखना है, नहीं, आपका एक मजबूत बेस बन जाए और आगे जब भी आपका मेंस लिखते हैं आप लोग तो वहां इतनी आपकी सोचने की क्षमता हो जाए कि आप वहां बेहतर आंसर लिख सकें। यही आपका उद्देश्य रहता है। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए? आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कह सकते हैं, कैसे कहा जा सकता है? इससे पहले कि हम इस विषय पर आए एक अन्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं। जब हम भिन्न भिन्न चीजों की तुलना करते हैं तो उसमें समानताएं और अंतर दोनों ही हो सकते हैं। हम इनकी तुलना करने के लिए किन किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं? कक्षा में विद्यार्थियों को ही देखते हैं, हमने विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? उनकी ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा, रुचि के अनुसार अंतर करते हैं। आप गरीबी अमीरी के अंतर भी करते रहते हैं। हो सकता है कि सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी ना हो, सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है, मित्रता व्यवहार ना रखता हो। तो हम विद्यार्थी की तुलना कैसे कर सकते हैं? हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। खेलकूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम या फिर पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग अलग मापदंड होंगे। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों की सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हम उसे कैसे चुनेंगे? सामान्यतः व्यक्तियों की एक या फिर दो महत्वपूर्ण विशिष्टताएं लेकर उनके आधार की तुलना करते हैं। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशिष्टताएं चुनी जाएं इस पर मतभेद हो सकते हैं। विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना, उनकी रचनात्मक और उनकी प्राप्त द्वारा प्राप्त अंक, यही बात विकास पर भी लागू होती है। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता समझी जाती है। आप समझते रहते हैं ना कि विकसित देश, विकासशील देश, अल्प विकसित देश, तो इनका इसी तरह से तो विभाजन किया जाता है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है, जैसे अमेरिका। यह इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है कि मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना, जो भी लोगों को पसंद है, जो उनके पास होना चाहिए, वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ज्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। और समझिए, आप भी सोचिए कि आपके घर में अगर अभी बेहतर आय है और बेहतर इनकम है तो आपकी जो भी जीवन शैली होगी वो बेहतर समझ पाएंगे। आप अगर कभी मॉल में जा रहे हैं और आपका बच्चा अगर कुछ मांगने लगता है तो आपकी अगर बेहतर इनकम है तो आप तुरंत दिला देंगे, उसकी आप जो भी आकांक्षाएं होंगी, अपेक्षाएं होंगी, वो पूरी कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि एक आपकी इनकम लो है तो आप क्या करते हैं कि उसे डांट के चुप करा देते हैं, वो घर ले आते हैं। अब एक देश का की आय क्या है? अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। यानी कि कहने का मतलब है कि आप एक परिवार की आय कैसे कह सकते हैं? एक देश एक परिवार ही समझ लीजिए ना, एक परिवार की आय आप कैसे कर सकते हैं? जो सबकी आय होगी उसको जोड़ देंगे तो एक परिवार की आय निकल आएगी, और उनमें से आप औसत आय निकालना चाहेंगे तो सभी परिवार को जोड़कर उसमें भाग दे देंगे तो एक एक व्यक्ति की निकल आएगी। अगर अलग अलग ही बिल्कुल अलग निकालनी है तो फिर एक एक व्यक्ति की आप आय निकाल सकते हैं, किसी की 10,000 है, किसी की 50,000 है, अंतर भी देख सकते हैं। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुछ आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है, क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर है। इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं जो कि देश की कुछ कुल आय कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है।
औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कह सकते हैं। वो मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, आप सोचिए आप ही, कि कई देश हैं अमेरिका की जनसंख्या हमसे बहुत कम है, समझ रहे हैं, और हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। और अगर आप सोचिए कि आपके यहाँ जो भी औसत आय निकालेंगे, तो आप सोचिए कि औसत आय तो आपकी निकल आई, चलिए 20,000 50,000 जितनी भी निकली हो, 20,000 मान लीजिए आप, तो कम से कम मान रहा हूँ, या मतलब कोई क्लियर आंकड़े नहीं रख रहा हूँ, 20,000 हो गई। आप कहेंगे कि हमारे देश के प्रति व्यक्ति आय 20,000 है, क्या आपको लगता है कि सभी व्यक्तियों की आय 20,000 रुपये है? आपको कई ऐसे भी मिलेंगे जो 2,000 3,000 रुपये कमा रहे हैं, कई बेरोजगार बैठे हुए हैं, कई दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, तो इसमें भी भेदभाव देखा जाता है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इन मापदंडों का प्रयोग किया गया है। वे देश जिनकी आय 2017 में प्रति व्यक्ति आय आपकी 12,056 US डॉलर प्रति वर्ष या फिर उससे अधिक है, उससे समृद्ध देश, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 995 US डॉलर यानी कि अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष है उससे कम है, उन्हें निम्न आय वाले देश कहा जा सकता है, कहा गया है। यानी कि कहने का मतलब है कि जिसकी आय 12,056 US डॉलर अमेरिकी डॉलर है उसे क्या कहेंगे, समृद्ध देश यानी कि विकसित देश, और जो 995 से कम है, अगर 995 डॉलर से कम, तो उन्हें निम्न आय वाले देशों में रखा जाता है। भारत की अगर स्थिति की बात करें तो मध्य आय वर्ग के देशों में हमें भारत को रखा जाता है, यानी कि विकासशील देशों की श्रेणी में, क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2017 में केवल 1820 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष थी। समृद्ध देशों जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुल कुछ अन्य देश छोटे देश शामिल नहीं है, को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। अमेरिका को आप ले सकते हैं विकसित, और बाकी आप देखते हैं सोमालिया, ये हो गए सभी आपके अल्प विकसित, और भारत हो गया इसे आप कह सकते हैं विकसित। ठीक है, औसत आय, यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, फिर भी यह असमानताएं छुपा देती है। उदाहरण के लिए दो देश का और खा पर विचार करते हैं। सरलता के लिए हम मानते हैं कि प्रत्येक देश में 5 निवासी हैं। तालिका में 1.5 दिए गए आंकड़ों के अनुसार दोनों देशों की औसत आय निकालना है। ये आप, हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं कि एक देश की 5 निवासी यानी कि 5 लोग जनसंख्या नहीं हो सकती है, ये बस हमें मानना है, हमें समझने के लिए बताया जा रहा है। दोनों देशों की तुलना की अगर बात करें हम लोग, तो 2012 में नागरिकों की मासिक आय यानी कि महीने की आय रुपये में दी गई है आपकी, ये देश का हो गया और ये देश खा हो गया, ये एक व्यक्ति हो गया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। आप देखेंगे यहाँ की जो एक की है इसकी 9,500, दूसरे की 10,500, और तीसरे की 9,800, दूसरे चौथे की आपकी 10,000, और पांचवे की आपकी 10,200। और याद रखिए इन सभी को जोड़कर आप लोग 5 का भाग देंगे तब औसत आय निकल आएगी। देश खा की बात करें तो 500 500 500 एक दो तीन चार की, और जो पांचवा व्यक्ति है ये 48,000 रुपये है। इसकी इस तरह से औसत आय निकालिए, औसत आय निकालेंगे तो आपको एक अच्छी खासी इनकम दिखेगी। लेकिन आप सोचिए कि इन लोगों के बारे में सोचिए, 500 500 आय वाले, तो एक समय आप समझ सकते हैं कि मुकेश अंबानी को आप रख दीजिए, या इस तरह के जो भी बड़े आदमी हैं उन्हें रख दीजिए, और एक आप झुग्गी झोपड़ी वाले को रखिए। जब औसत आय आप निकालते हैं तो सबको जोड़ के निकालते हैं ना, आप एक झुग्गी झोपड़ी वाले को भी उसमें शामिल करते हैं, और एक आप मतलब महलों में रहने वाले को भी उसमें शामिल करते हैं, तो उस तरह से आप औसत आय निकालते हैं, तो इस तरह की असमानता देखी जाती है। क्या आप इन दोनों देशों में रहकर समान रूप से सुखी होंगे? क्या दोनों देश बराबर विकसित हैं? शायद हम में से कुछ लोग देश खा में रहना पसंद करेंगे। अगर हमें यह आश्वासन हो कि हम उस देश के पांचवें नागरिक होंगे, लेकिन अगर हमारी नागरिकता संख्या लॉटरी के द्वारा निश्चित होगी, तो शायद हम में से ज्यादा लोग देश खा में रहना पसंद करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी दोनों देशों की औसत आय का एक समान है। देश खा के लोग ना तो बहुत अमीर हैं और ना ही गरीब हैं, जबकि देश खा के ज्यादातर नागरिक गरीब हैं और एक व्यक्ति बहुत अमीर है। इसलिए यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, लेकिन इसमें यह पता नहीं चलता है कि यह आय लोगों में किस प्रकार वितरित है। आप अपने देश की ले लीजिए ना स्थिति, आप ही अपने परिवार के मेंबरों की देख लीजिए, और आपके आसपास जो झोपड़ी में लोग रहते हैं उनकी भी देख लीजिए।
तो इससे आप लोग बेहतर समझ पाए। गरीब विहीन तथा अमीर विहीन व्यक्तियों का देश, हमने कुर्सियों को बनाया तथा उनका उपयोग करते हैं। गरीब तथा अमीर व्यक्तियों के देश, हमने कुर्सियों को बनाया तथा उसने ले लिया, यानी कि कहने का मतलब इन लोगों ने बनाया और इसने किस तरह से कब्जा कर लिया और इन्हीं ने बनाया, इन्हीं यही उपयोग कर रहे हैं। इससे संबंधित भी क्वेश्चंस दिए गए, इन्हें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आय और अन्य मापदंड देखते हैं। जब हमने व्यक्तिगत आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखा तो पाया कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते, बल्कि वे अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर और समानता का व्यवहार पाना, आजादी इत्यादि जैसी लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। अब आपसे ही कह दिया जाए, आप ही सोचिए, आपसे कह दिया जाए कि आपको 1,00,000 रुपये महीने का महीना दे रहा हूं, आप पाकिस्तान में रहने लगिए, आप उस इलाके में रहने लगिए अफगानिस्तान में जहां आतंकियों का मतलब साया छाया रहता है, आपको सुबह को अभी मालूम नहीं है कि आपको सुबह आप जिंदा मिलेंगे या नहीं, आपको कई इलाके ऐसे भी हैं कि आपको ये भी पता नहीं है कि आप ऑफिस जा रहे हैं तो लौट के घर आएंगे या नहीं, आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो आपके बच्चे बच्चों से दोबारा आप मिल पाएंगे या नहीं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप वहां रहना पसंद करेंगे। आप आय से जाना एक सुरक्षा जाना चाहते हैं आप अपनी। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में भी सोचते हैं। ये विशेषताएं क्या हो सकती हैं, इनका निरीक्षण हम एक उदाहरण के द्वारा करते हैं। तालिका 1.3 में हरियाणा, केरल और बिहार की प्रति व्यक्ति आय दर्शाती है। वास्तव में ये आंकड़े वर्ष 2015-16 की वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद के हैं। अभी हम इस जटिल शब्द का क्या वास्तविक अर्थ है उसे छोड़ देते हैं, मोटे तौर पर हम इसे राज्य की प्रति व्यक्ति आय मान सकते हैं। हमें देखते हैं कि इन तीनों राज्यों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार सबसे पीछे। इसका अर्थ है कि औसतन हरियाणा में एक व्यक्ति एक वर्ष में 1,62,034 रुपये कमाता है, जबकि बिहार में औसतन वह केवल 31,454 रुपये कमाता है। इसलिए अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो तीनों राज्यों में हरियाणा सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। अब हम इन तीनों राज्यों के कुछ और आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो कि तालिका 1.4 में दिए गए। यहाँ आप पहले देख लीजिए हरियाणा की कितनी है। याद रखिए ये आंकड़े पुराने हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको समझ में ना आए, ज्यादा कुछ नहीं बदला है, ठीक है। इसकी हरियाणा की 1,62,034 और केरल की आपकी 1,40,190, बिहार की आप देखेंगे 31,454। और याद रखिए आपके सर्वेक्षण 2017-18 है, जब भी आपका बजट आता है तो उससे पहले आपके, जैसे अभी 20 का बजट आया तो 20-21 का बजट आया, लेकिन जो आर्थिक सर्वेक्षण होंगे वो 19-20 के होंगे, याद रखिए। हरियाणा, केरल और बिहार की कुछ तुलनात्मक आंकड़ों की बात करें हम लोग, ये राज्य हो गए। शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 व्यक्तियों पर 2016 की बात है, साक्षरता दर 2011 की, निवल उपस्थिति अनुपात प्रति व्यक्ति 100 व्यक्ति, उच्चतर यानी कि आयु 14 और 15 वर्ष 2000, तो इसमें हरियाणा 33 और साक्षरता दर सबसे अच्छी आप सोच सकते हैं कि 82 और निवल उपस्थिति अनुपात इसमें आप देखेंगे कि 61। केरल की बात करेंगे तो शिशु मृत्यु दर 1,000 व्यक्ति, यानी कि आप देख सकते हैं कि 110, यानी कि केरल बेहतर स्थिति में है शिक्षा के मामले में, आप केरल को बेहतर देख सकते हैं। और यहाँ निवल उपस्थिति अनुपात उच्चतर 83। बिहार की स्थिति सबसे, आप लोग शिशु मृत्यु दर में देख सकते हैं कि 38, यानी कि बुरी स्थिति है, और साक्षरता में आप देख सकते हैं कि सबसे बुरी स्थिति है, और यहाँ निवल उपस्थिति अनुपात में 43, यानी कि इसमें भी पीछे है आपका। इस तालिका में प्रयोग किए गए शब्दों की व्याख्या। शिशु मृत्यु दर, किसी वर्ष में पैदा हुए 1,000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से कम से पहले मर जाने वाले बच्चों की अनुपात होता है, यानी कि आप देखिए कि हरियाणा में 1,000 बच्चे एक वर्ष में पैदा हो रहे हैं, मान लीजिए 1,000, इससे होते तो ज्यादा है, तो उसमें एक साल के भीतर कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी हो जाती है 33, 1,000 पर बात कर रहा हूं, ठीक है। वहीं केरल में 10, केरल में बेहतर स्थिति है। साक्षरता की बात करें तो
7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात होता है, यानी कि साक्षर लोगों में उन्हें जोड़ा जाता है जो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग होते हैं। तो इन्हें देखेंगे तो आप देखेंगे कि हरियाणा में 82% लोग साक्षर हैं, केरल में आपका 94%, बिहार में आपका 62%, यानी कि सबसे खराब स्थिति। निवल उपस्थिति अनुपात की बात करें तो 14 या 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ 7%, यानी कि कहने का मतलब है कि किस राज्य में कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं 14 से 15 वर्ष की आयु के। तो आप देख सकते हैं केरल में सबसे ज्यादा और उसके बाद हरियाणा में और बिहार में सबसे कम। इसीलिए मैं बोलता हूं ना कि आप देखेंगे केरल हर मामले में सबसे बेहतर है, स्वास्थ्य में देख लीजिए आप लोग, और बिहार में आप समझ रहे हैं शिशु मृत्यु दर क्यों ज्यादा है, क्योंकि आप सोचिए स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं होगी। जब भी बच्चे को जन्म दे रही हो कोई महिला, तो उस समय अगर बेहतर सुविधाएं ना मिलती हो तो आप उनकी स्थिति समझिए। और साक्षरता का मतलब ये है कि आप सोचिए कि जब पढ़े लिखे बच्चे नहीं होंगे तो आप गरीबी देखेंगे, आप बेरोजगारी देखेंगे, आप राज्य का हाल देख सकते हैं। यह तालिका क्या दर्शाती है कि तालिका का पहला स्तंभ दिखाता है कि केरल में 1000 जीवित पैदा हुए बच्चों में से 12 बच्चे 1 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं, लेकिन हरियाणा में यह अनुपात और बुरा है 36, जो केरल की तुलना में 2 गुना से भी ज्यादा है। दूसरी ओर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केवल केरल से ज्यादा है, जैसा कि 1.3 तालिका में दर्शाया गया। जरा सोचिए कि हमने माता पिता के लिए आप कितने प्यारे हैं, या सोचिए कि जब सब लोग कितना प्रसन्न होते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है। अब ऐसे माता पिताओं के बारे में सोचिए जिनके बच्चे अपने पहले जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं, यानी कि अपनी जिंदगी का 1 साल भी पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे माता पिताओं को कितना दुख महसूस होता होगा। दूसरा यह देखिए कि आंकड़े किस वर्ष के हैं, 2016 के हैं, तो हम बहुत पुराने समय की बात नहीं कर रहे हैं, यह हमारी स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद की बात है, जब हमारे देश के बड़े शहर ऊंची ऊंची इमारतों खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉल से भरे हुए हैं। समस्या शिशु मृत्यु दर पर समाप्त नहीं हो जाती है। तालिका का अंतिम स्तंभ दिखाता है कि बिहार के लगभग आधे बच्चे कक्षा 8वीं की बाद स्कूल नहीं जा रहे हैं, अर्थात यदि आप बेहतर बिहार के स्कूल में पढ़ते होते हैं तो आपकी प्रारंभिक कक्षा के लगभग आधे से अधिक बच्चे गायब होते। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था वे वहां नहीं है। अगर ये आपके साथ होता तो आप अभी यह सब ना पढ़ पाते जो पढ़ रहे हैं। आप ही सोचिए कि आप अगर कक्षा 6वीं या 8वीं में अपना स्कूल छोड़ देते तो क्या आप लोग कक्षा 10वीं की किताब पढ़ रहे होते? नहीं, कभी नहीं। अधिकांश शिशुओं को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिल पाती, यानी कि उन्हें जो भी सुविधाएं होती हैं स्वास्थ्य वे भी नहीं मिल पाती, इसलिए मृत्यु दर अधिक देखा जाता है। सार्वजनिक सुविधाएं, ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, यानी कि जो हरियाणा में एक व्यक्ति की आय है केरल के एक व्यक्ति की आय से अधिक है, मतलब प्रति व्यक्ति आय से, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल से पीछे है। लेकिन बाकी आप देख रहे हैं, फिर चाहे शिक्षा में देख लीजिए, फिर चाहे आपका जो बच्चों की मौत में देख लीजिए, उसमें केरल से पीछे है। इसका कारण यह है कि यह आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा रुपया वे सभी वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता हो सकती है। नागरिक कितनी भौतिक वस्तुएं और सेवाएं प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए सामान्यतः आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता, या बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकता है, जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते जहां ये सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं। द्रव आपको संक्रामक बीमारियों से भी नहीं बचा सकता है जब तक कि आपका पूरा समुदाय इनके बचाव के लिए कदम नहीं उठाता है। अब आप उसी तरह से ले सकते हैं आप लोग कि आपके पास पैसा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपके पास हर तरह से सुविधाएं नहीं हो सकती है। अब आप पैसा बचा के रखे रहें, आप क्या नहीं हमारा पैसा रखे रहने दीजिए, हमारे पास आय इनकम ज्यादा है, ना तो आप फोन चलाएं, ना ही आप लोग VIP घर बनवाएं, और ना ही आप लोग कार खरीदें, और आप जब भी जाएं आप टैक्सी का सहारा लें, तो आपका वो पैसा रखा है ना,
जब आपका आपको बुखार आ रहा है या कोई भी तबीयत खराब हो रही है, आपको रोग हो रहा है, तब इलाज ना करवाएं आप लोग, तो आपका वो पैसा रखा रहेगा, उसमें कोई फायदा थोड़ी होगा। तो केरल के जो लोग हैं इनकी इनकम कम है भले हरियाणा से, लेकिन वो अपनी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर ध्यान देते हैं। हरियाणा के लोगों की आप देखेंगे कि इनकम अधिक है, लेकिन इसे उस लोग पर हम ये लोग खर्च नहीं करते। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। जरा सोचिए, किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है, अथवा हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड रखना। आप क्या करते हैं अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता है? क्या तुम पढ़ पाओगे? शायद तब तक नहीं जब तक कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने भेजने की क्षमता ना रखते हों। आप इसलिए पढ़ पा रहे हो क्योंकि बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं, और बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे सभी बच्चों को अपन पढ़ने का अवसर मिले। और अभी भी बहुत से क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, उच्च विद्यालयी शिक्षा भी नहीं ले पाती हैं क्योंकि सरकार समाज इनके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराती है। या सीधा सा कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के अगर लिए वो सुविधा उपलब्ध कराते हैं तो वो महंगी पड़ेगी, लेकिन आप किसी समाज के लिए, पूरे समूह के लिए अगर कोई सुविधा उपलब्ध कराते हैं तो वो सेवा आपको सस्ती पड़ेगी। और एक इसका बच्चों पे पिछड़ने का एक कारण और भी है, चाहे फिर लड़कियों का हो या फिर किसी गरीब तबके के बच्चों का, क्योंकि आपने देखा है कि ठीक है आपकी पांचवी कक्षा तक तो आपके स्कूल की सुविधा आपके गांव में ही करवा दी गई, लेकिन उससे आगे की जो शिक्षा होती है उसे आप देखिए 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर इसके दूर, मतलब इससे दूर भी आपके कई हाई स्कूल रहेंगे। 12th आप वहां से नहीं कर पाएंगे, 10th में वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि आपके घर वाले घर से बाहर जाने से रोकते हैं। कई ऐसे अभी भी क्षेत्र छूटे हुए हमारे देश में, ठीक है, और लड़कियों को और ज्यादा पाबंदी लगाई जाती है। तभी आप देखते हैं कि कक्षा पांच भी जब तक स्कूल है, 8वीं तक आपका है या 10वीं तक है, तब तक आराम से लड़कियां पढ़ती रहती हैं। उसके आगे आप लोग देखते हैं कि उनकी संख्या में बहुत बड़ी मात्रा में आपका गिरावट देखी जाती है। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक प्रकार कार्य करती है। ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है। अभी कुछ ही देर पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कहीं कि बुंदेलखंड में आप देखिए कि हर क्षेत्र में स्थिति खराब है। तो यहां मैं पढ़ रहा था कि शिक्षा की तो व्यवस्था ये है कि स्कूल के लिए जो भी व्यवस्थाएं आती हैं उनमें से अधिक आपके सरपंच साहब और बाकी सचिव साहब मिलकर डकार जाते हैं। और आंगनबाड़ी की रही, आंगनबाड़ी में भी आपकी सुविधाएं आती हैं, तो उसमें भी कोई बता रहा था कि उसमें अगर जो भी खाने की सुविधा आती है, यानी कि पौष्टिक आहार जो भी आता है, तो उसमें से अधिक जो आपका कार्यकर्ता है जो आंगनबाड़ी का, वो डकार के चला जाता है। और आप समझ सकते हैं जब स्थिति ठीक नहीं रहेगी तो आगे कैसे बढ़ पाएगा कोई। तो मुझे लगता है कि जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है। यहाँ इससे संबंधित एक क्वेश्चन दिए गए, नए भी आप देख सकते हैं। कार्यकलाप तालिका 1.5 को ध्यान से अध्ययन कीजिए और निम्न अनुच्छेदों में रिक्त स्थानों को भरिए। हो सकता है कि इसके लिए आपको तालिका के आधार पर कुछ गणना करनी पड़े। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षणिक उपलब्धि सैंडी। ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर की बात करें तो पुरुषों में 76 और महिलाओं में आपका 54% है। महिलाएं आप देख रहे हैं ना पिछले में है। 10 से 14 वर्ष के ग्रामीण बच्चों में साक्षरता की बात करें तो 90% और महिलाओं में आपका 87%। 14 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले ग्रामीण बच्चों की प्रतिशत की बात करें तो 85% और महिलाओं में अगर बात करें लड़कियों में तो यह आपका 82%। सभी आयु की साक्षरता दर जिसमें युवक और वृद्ध दोनों सम्मिलित हैं, ग्रामीण पुरुषों के लिए आपका 76% थी और ग्रामीण महिलाओं के लिए आपका इसमें आपका 54% थी। यही नहीं कि बहुत से वयस्क स्कूल ही नहीं जा पाए हैं बल्कि इस समय स्कूल में नहीं है।
यानी कि इसमें से कह सकते हैं आप लोग कि बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्कूल नहीं जा पाए और इनमें से अधिकतर स्कूल में छोड़ देते हैं कुछ समय पर। इस तालिका से स्पष्ट है कि 30% ग्रामीण लड़कियां, यानी कि कहने का मतलब यह है कि सत्तासी प्रतिशत ग्रामीण लड़कियां और आपका 90% ग्रामीण लड़के स्कूल नहीं जा रहे हैं। सॉरी माफ करिए, ये आपका यहां दिया गया है, सॉरी माफ करना, यहां आपका देखिए आप लोग 90% जा रहे हैं बच्चे, 10 से 14 वर्ष की, तो कितने बच्चे बाकी आपके 10% पुरुष हो गए और यह 13%। तो इस तालिका में स्पष्ट है कि 13% लड़कियां ग्रामीण लड़कियां और आपके 10% ग्रामीण लड़के स्कूल नहीं जा रहे हैं। इसलिए 10 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों में से आपकी 87% ग्रामीण लड़कियां और 10 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों में से आपकी 13% ग्रामीण लड़कियां और 10% ग्रामीण लड़के निरक्षर यानी कि साक्षर नहीं होंगे। मुझे लगा यहाँ कि साक्षरों की बात की जा रही है। हमारी स्वतंत्रता के 68 वर्षों के बाद भी आयु के वर्ग में इस उच्च स्तर की निरक्षर चिंताजनक है, यानी कि 10 से 14 वर्ष की आयु की। बहुत सी अन्य राज्यों में भी 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संविधानिक लक्ष्य के निकट भी नहीं पहुंच पाए, जबकि इस लक्ष्य को 1960 तक पूरा करना था। तो आप तो ये जानते हैं कि हमारे यहाँ जो भी लक्ष्य रखे जाते हैं उसके बाद भी 2-4, 10 साल, 50 साल तब तक भी नहीं कर पाते हैं पूरा। तो ये तो हमारी अच्छाई कह लीजिए, फिर चाहे हमारे नेताओं की महानता कह लीजिए, कि अगर हम लोग गरीबी हटाने का अभी भी अगर 2050 का रख देना तब भी गरीबी नहीं हटेगी, इसे देख सकते हैं। और एक बात और यहाँ याद रखिए आपका, देखिए 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा आपको शिक्षा का अधिकार दे दिया गया है, लेकिन शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार दे दिया जाए, चाहे किसी का भी अधिकार, कोई भी अधिकार आपको दे दिया जाए, जब उसका आप उपयोग ना करें, यानी कि जनता जो जागरूक ना हो, तो सोचिए आप लोग कैसे फायदा हो सकता है। अब आप सोचिए कि आपको इतने बोलने का अधिकार दिया गया है, लेकिन कितने लोग बोलते हैं, और शिक्षा का अधिकार दिया गया है तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है। आप सरकारी हॉस्पिटलों का हाल देख सकते हैं, सरकारी जो स्कूल है उनका भी हाल देख सकते हैं, बच्चों को या तो वो स्कूल ही नहीं भेजते क्योंकि वो जानते हैं कि उसे स्कूल में जाकर बच्चा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, या फिर वो समझते हैं कि चलिए कम से कम काम में हाथ तो बटाएगा, उसे स्कूल में जाने से अच्छा जहाँ कुछ नहीं मिल रहा है तो घर के काम में तो हाथ बटाएगा, इसलिए वो अपने स्कूलों में नहीं भेजते बच्चों को। कार्यकलाप 3, यह अज्ञात करने के लिए क्या हम उचित प्रकार से पोषित हैं। एक तरीका है जिसे वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक BMI कहते हैं। इसकी गणना करना सरल है। कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी अपना भार और ऊंचाई ज्ञात करें, प्रत्येक बच्चे का भार किलोग्राम में लें, फिर दीवार पर एक पैमाना बनाकर सिर को सीधा रखते हुए ऊंचाई का सही माप करें, सेंटीमीटर में नापी गई ऊंचाई का सही माप करें, किलोग्राम में व्यक्त भार को ऊंचाई के वर्ग के वर्ग से भाग दे दें, यानी कि जितनी ऊंचाई है आपकी उसका वर्ग करके भाग दे दें, आपको जो अंक प्राप्त होगा वही BMI कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब शरीर वैज्ञानिक शरीर द्रव्यमान सूचकांक कहलाता है। फिर इस पुस्तक के पृष्ठ 90 और 91 पर दी गई आयु अनुसार BMI तालिका को देखें, आगे हम लोग बात करेंगे इसके पर। विद्यार्थी का BMI सामान्य से कम या सामान्य से अधिक हो सकता है। यदि एक विद्यार्थी की BMI 2 HD से 2 HD के बीच हो, यानी कि -2 HD से 2 HD के बीच हो तो उससे सामान्य कहा जाएगा। यदि यह -2 HD से अधिक है तो वह न्यून भारित है, उसे अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए यदि एक विद्यार्थी की आयु 14 वर्ष और 8 माह है और इसकी BMI 15.2 है
तो वह अल्पपोषित है। इसी भांति यदि एक भांति एक विद्यार्थी जिसमें जिसकी BMI 28 और आयु 15 वर्ष 6 माह हो तो न्यून भारित कहेंगे उसे। विद्यार्थी की जीवन परिस्थिति, भोजन एवं व्यायाम संबंधी आदतों के बिना किसी की को लज्जित किए सामान्य रूप से चर्चा करें। एक बात और हमेशा याद रखिए, इस तरह से क्या रहता है कि इन्हें N मापते रहते हैं, और आपके देश में अलग अलग प्रमाण है इस तरह के मापने के कि किस कौन अल्पपोषण है, किसे कम पोषण मिल रहा है, तो किसे किस तरह से मिलता है, इस तरह से चलता रहता है। एक आप लोग सुनते रहते हैं, मानव विकास रिपोर्ट हमेशा चर्चा में बनी रहती है। एक बार यह बात समझ में आ जाए कि यद्यपि आय का स्तर महत्वपूर्ण है पर यह विकास के स्तर को मापने का पर्याप्त मापदंड है, तो हम अन्य मापदंडों के बारे में सोचने लगेंगे। ऐसे मापदंडों की सूची लंबी हो सकती है लेकिन वह इतनी ही उपयोगी नहीं रहेगी। हमें अधिक महत्वपूर्ण चीजों की कम संख्या में आवश्यकता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचक, जैसे हमने केरल और हरियाणा की तुलना करने के लिए प्रयोग किया, ऐसे ही सूचकों में पिछले लगभग एक दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकों का आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास के माप के लिए प्रयोग किया जाने लगा है। उदाहरण के लिए UNDP द्वारा विकसित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना लोगों के शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। भारत उसके पड़ोसी देशों की 2018 की मानव विकास रिपोर्ट के कुछ समृद्ध आंकड़े पर दृष्टि डालना रुचिकर होगा। ये याद रखिए 2018 के हैं, इसे अपडेट करते रहिए। आपका करंट अफेयर्स अभी जो घटना चक्र पूरी कंप्लीट की हुई थी उसमें आपका पूरा कंप्लीट किया हुआ है, उससे भी आपके काफी क्वेश्चंस करंट से समझ जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये नहीं बदलेंगे, मानव विकास रिपोर्ट को तैयार करते वक्त क्या क्या याद रखा जाता है, तो लोगों की शैक्षिक स्तर भी याद रखा जाता है, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भी इनकी यही रिपोर्ट तैयार की जाती है। कई बार क्वेश्चंस बन चुका है प्रीलिम्स में कि मानव विकास रिपोर्ट को तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, तो इन्हें अच्छे से याद रखिए। वर्ष 2017 के लिए भारत और उसके पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े दिए गए हैं। श्रीलंका की देखेंगे आप लोग तो सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर में है 2011 की क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार। जन्म के समय संभावित आयु 2017 के अनुसार। विद्यालयी औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक 2017 के अनुसार। विश्व मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI का क्रमांक, आपका HDI का क्रमांक हो गया 2016 का है। श्रीलंका की अगर हम लोग बात करें तो इसकी क्रय जो सकल राष्ट्रीय आय है वो है आपकी 11,326 डॉलर अमेरिकी डॉलर, और जन्म के समय संभावित आयु 75.5 वर्ष और विद्यालयी औसत आयु 25 वर्ष हो या उससे अधिक 10.9 और आपका 76वें नंबर पर था। कितने 76वें नंबर पर। भारत की बात करें तो 6,353 अमेरिकी डॉलर में है प्रति व्यक्ति अमेरिकी डॉलर में आए है सकल राष्ट्रीय आय। और इसका जो अगर हम लोग जन्म के समय संभावित आयु की बात करें तो ये आपकी 68.8 औसत है ये सब, ठीक 68.8 और विद्यालयी औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक 6.4 और 130वें नंबर पर है। इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि 2019 के जो नए आंकड़े थे इसमें भारत को 129वां स्थान मिला हुआ है, ठीक है याद रखिए। बाकी आप देख सकते हैं कि नेपाल और भारत आपसे बहुत नीचे है, ठीक। HDI का अर्थ होता है मानव विकास सूचकांक। ऊपर दी गई तालिका में HDI सूचकांक क्रमांक कुल 189 देशों में से है, यानी कि कहने का मतलब है कि 100 जो इसकी जनगणना होती है मानव विकास सूचकांक की, इसमें 189 देश शामिल किए गए थे। उनमें से आपके भारत को 2016 में 130वां नंबर मिला था और 2019 की बात करें तो 129वां स्थान मिला था। जन्म के समय संभावित आयु, जैसा कि नाम से स्पष्ट है व्यक्ति के जन्म के समय औसत आयु की संभावना दर्शाई गई है। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देश के लिए डॉलर में की जाती है ताकि उसकी तुलना की जा सके, या इस तरीके से भी की जाती है कि एक डॉलर किसी भी देश में समान मात्रा में वस्तुएं और सेवाएं खरीद सके, क्योंकि आप देखते हैं कि डॉलर मतलब हर देश में डॉलर की कीमत उतनी ही होगी जितनी अमेरिका में है।
आप लेकिन पैसे की अगर मामले में बात करेंगे रुपए में, तो आपके रुपए की अलग कीमत है, श्रीलंका के रुपए की अलग की, जो भी करेंसी होंगे उसकी अलग होगी, पाकिस्तान की अलग होगी, बाकी अलग देशों की अलग अलग होगी। तो इसलिए क्या किया जाता है कि अपने यहाँ के जितना डॉलर की कीमत होती है, अपने यहाँ के डॉलर से इसे कंपेरिजन कर लेते हैं तुलना। तो डॉलर अगर 70 में है अभी, तो आपका 70 में आपके यहाँ ही मिल रहा होगा, अमेरिका में भी उतना ही में, अगर रुपये में हम बदलना चाहें। और आप सोचिए वहाँ भी इसी तरह आप देखेंगे कि जो श्रीलंका की करेंसी होगी वो अपने हिसाब से 1 डॉलर, लेकिन डॉलर डॉलर रहेगा। ये हो सकता है कि आपकी जो मुद्रा है इसकी क्रय क्षमता नीचे हो, इस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे है, और हमारे जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है। तालिका 1.6 यह भी दर्शाती है कि यद्यपि नेपाल और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है, फिर भी वे भारत से आयु संभावित में पीछे नहीं है। HDI के परिकलन के लिए बहुत से सुधारों का सुझाव दिया गया है। मानव विकास रिपोर्ट में बहुत से एक नए घटक जोड़े गए, लेकिन मानव के विकास से पहले यह बात स्पष्ट कर दी गई कि विकास महत्वपूर्ण एक देश महत्वपूर्ण है एक देश के नागरिकों के साथ साथ क्या हो रहा है। लोगों का स्वास्थ्य और उनका कल्याण सबसे अधिक जरूरी है। एक बात और हमेशा याद रखिए, अब चाइना को ही आप ले लीजिए, चाइना आपके 2 साल बाद आजाद होता है। आप 1947 में आजाद हो जाते हैं, चाइना 1949 में जाकर आजाद होता है। फिर भी अभी इंडेक्स, जितने भी इंडेक्स आते हैं, लगभग लगभग उनमें सभी में आपका चाइना हमसे आगे ही रहता है। और एक और बात याद रखिए आप लोग कि हम लोग देखिए कि GDP के मामले में चाइना कहा जा रहा है कि अमेरिका को भी पीछे छोड़कर नंबर एक पर पहुंच जाएगा, और वैसे भी आप देख सकते हैं कि इस तरह से चाइना महाशक्ति बनने की कतार में खड़ा हुआ है। जहां से भी आप WHO ले लीजिए, फिर चाहे ईरान, अफगानिस्तान, कहीं भी देख लीजिए आप लोग, जहां जैसे ही अमेरिका हटता है, चीन अपना दबदबा ठोक देता है। विकास की धारणीयता की बात करेंगे हम लोग, तो हमने विश्व की को अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। कहने का यह सीधा सा मतलब है कि आप अगर पर्यावरण का उपयोग कर रहे हैं, जल का उपयोग कर रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इस हिसाब से उसका उपयोग करिए कि ऐसा नहीं कि हमारी आने वाली पीढ़ी इसके लिए तरस जाए। तो हमें इस तरह से उपयोग करना चाहिए किसी भी चीज का कि जो हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए बना रहे, जिस तरह से हमारे पूर्वज हुए होंगे, उन्होंने भी ख्याल रखा होगा, तभी तो आज हम लोगों को सभी सुविधाएं मिल रही हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोग जब किसी से ऋण लेते हैं तो बड़ी बचा बचा के पैसा खर्च करते हैं, उसी तरह से हमें सोचना चाहिए कि हमने अपने बच्चों, आने वाले बच्चों से उधार लिया हुआ है। हम विकास की को जिस तरह की तरह भी परिभाषित करें, अभी के लिए मान लें कि एक विशेष देश काफी विकसित है, हम निश्चित रूप से यह चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊंचा हो, या फिर कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे, या स्पष्ट रूप से वांछनीय है। लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध से बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान विकार और स्तर धारणीय नहीं है, यानी कि विकास आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है। अब तो कहा जा रहा है अंटार्कटिका पर भी प्रदूषण देखने को मिला है। अंटार्कटिका पर प्रदूषण देखने का मतलब ये है कि वहां अभी इंसान भी नहीं रहते हैं, और जहां अगर प्रदूषण फैलता है तो आप धरती की बाकी महाद्वीपों के बारे में सोच सकते हैं कि क्या स्थिति बन सकती है। उदाहरण के लिए एक समझिए, भारत में भूमिगत जल स्तर हाल के पैमानों से पता चलता है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल के अति दो उपयोग होने का गंभीर संकट है। 300 जिलों से सूचना मिली है कि वहां पिछले 20 सालों में पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है। देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है। यदि इस साधन के प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा तो अगले 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस साधन का अति उपयोग कर रहा है। भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों, मध्य और दक्षिण भारत के चट्टानी पठारों, पठारी क्षेत्रों, कुछ तटवर्ती क्षेत्रों और तेजी से विकसित होती शहरी बस्तियों में पाया जाता है। एक बात आप लोगों ने देखी होगी, ये आपकी 2016
छह सात के करीब की आप सोचिए, उस समय आप लोग होंगे अच्छे से समझ गए होंगे, मतलब कई लोग आपके काफी जागरूक भी होंगे। तो कुछ समय पहले आपने देखा है कि कुआं इतने भर जाया करते थे कि आप हाथ से उससे पानी निकाल सकते थे, और आज स्थिति देखिए कि आप लोग कितने गहराई की करते जा रहे हैं कुएं होंगे, फिर भी पानी नहीं है। तो क्या है कि हम लोगों ने देखिए पानी उतना ही है, बारिश होती है, उस पानी को हम लोग अगर सिंचे मतलब इकट्ठा करके अगर धरती में ना जाने दें तो धरती की जो जल धारण क्षमता होती है वो गिरती जाएगी। यही हो रहा है। आप एक उसे भी देख सकते हैं कि जब तालाब जहां बना हो वहां कुओं का हाल देख सकते हैं आप लोग, कि वहां देखेंगे कि कुएं मुंह से भरे रहते हैं, फुल भरे रहते हैं, क्योंकि वहां पानी धरती ने पी लिया अच्छी तरह से, और वहां पानी है धरती में। और जहां धरती में पानी नहीं होगा वहां आप कितना भी गहराई में खोद लीजिए आप स्थिति समझ सकते हैं। भूमिगत जल नवीकरणीय साधनों का उदाहरण है, फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर रहे सकते हैं। उदाहरण के लिए भूमिगत जल यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधनों का अति उपयोग कर रहे हैं। अब देखिए वर्षा हो रही है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि शहरों में आपने देखा है कि पक्की सड़कें बन चुकी हैं, तो ये क्या होता है कि बहते हुए जल नाली नाली से होते हुए नदियों के द्वारा ये महासागरों में चला जाता है, समझ रहे हैं। अगर हम लोग इन्हें रोक दें एक जगह बांध बना दें तो धरती में जो भी पानी होगा वो चला जाएगा धरती में रिस कर, और आपकी धरती की भूमिगत जल होगा वो उसका स्तर ठीक बने रहेगा। गैर नवीकरणीय साधन वो हैं जो बरसों से प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं, जैसे कोयला ले सकते हैं, कच्चा तेल पेट्रोलियम ले सकते हैं, ये एक समय के बाद खत्म हो जाएंगे। और नवीकरणीय का मतलब हो गया हवा हो गई, यानी कि ये कभी नहीं खत्म होगी, जब तक आपका जीवन रहेगा तब तक वो ये संभव रहेगा। जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, जल हो गया, आप लोगों ने अभी एक शब्द तो सुना होगा नवीकरणीय ऊर्जा, यानी कि अब इस पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि एक समय के बाद कोयला खत्म हो जाएगा, फिर हम ऊर्जा कहाँ से लाएंगे। तो इसके लिए आपका नवीकरणीय साधनों पर जोर दिया जा रहा है कि इनसे अगर हम लोग ऊर्जा प्राप्त करने लगे हैं। आपने सोलर पार्क सुना होगा, MP रीवा में भी सबसे बड़ा बनाया गया है, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने बात की थी, पढ़ लीजिए। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती है। याद रखिए इनकी होती भी अगर कोयला की तो आप सोचिए कि हजारों लाखों साल लग जाते हैं। अब सोचिए आज जो हम लोग कोयला यूज कर रहे हैं ये लाखों साल पहले का है, इसे बनने में हजारों लाखों साल लगे, उसके बाद आज हम लोग यूज कर रहे हैं। कभी कभी हमें ऐसे नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी, नए स्रोत भंडार में वृद्धि करके करते हैं, लेकिन समय के साथ यह भी समाप्त हो जाएंगे। उदाहरण के लिए हम जमीन से जो कच्चा तेल निकालते हैं वह एक गैर नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन हमें तेल का ऐसा स्रोत मिल सकता है जिसके बारे में हमें पहले जानकारी ना हो। इसके लिए हर समय खोज चलती रहती है, और नीचे दी गई तालिका को देखिए। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, कच्चे तेल के लिए निम्न आंकड़ों को देखिए। तालिका 1.7, कच्चे तेल की अतिरिक्त भंडार, ये मध्य पूर्व हो गया, भंडार 2017 का 1000 मिलियन बैरल में, आपका भंडारों के चलते चलने की अवधि है वर्षों में, ये आपकी मध्य पूर्व में आपका 807.7 या आपका बैरल 1000 मिलियन बैरल में, ये 70 वर्ष तक चलेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका 50,000 मिलियन बैरल या आपका 10.5 साल चलने की उम्मीद है वर्षों, और विश्व में आपका ये 1,696.6 या आपका 50.5 वर्ष चलने का है। यह तालिका कच्चे तेल के भंडारों के अनुमान को दर्शाती है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह बताती है कि यदि कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर पर चालू रहे तो यह भंडार कितने वर्ष चलेंगे। यह संपूर्ण विश्व के लिए है, किंतु अलग अलग देशों की अलग अलग स्थितियां हैं, यह भंडार केवल 50 वर्षों में समाप्त हो जाएगी। भारत जैसे देश इसके आयात पर निर्भर है, जिसके पास तेल की पर्याप्त भंडार नहीं है। हमारे भारत, आपने सुना होगा कि हम लोग 70 से 80% कच्चा तेल आयात करते हैं बाहरी देशों से, क्योंकि हमारे पास इतने पर्याप्त भंडार नहीं है जिनसे हम अपनी पूर्ति कर सकें। तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो विदेश पर भार बढ़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश हैं जिनके पास भंडार तो कम है, लेकिन भी इसे सैन्य और आर्थिक शक्ति के द्वारा पाना चाहते हैं। विकास की धारणीयता का प्रश्न इसकी प्रकृति और
विक्रिया के बारे में कई अनमोल नए विषय खड़े कर देता है। अब आपने देखा है कई देश ऐसे भी हैं जो तेल की निर्यात पर निर्भर रहते थे, तेल बेचते थे उसी पर पलते पोसते थे, लेकिन आप उनकी भी अर्थव्यवस्था को फैलते हुए देख रहे हैं, कई क्षेत्रों में भी अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसे संभाल रहे हैं। वो भी जान रहे हैं कि एक समय के बाद तेल खत्म हो जाएगा, तो उन्हें देश को चलाने के लिए कोई दूसरा रास्ता तो चुनना होगा। पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते हैं, यह एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं रह गया है, हम सबका भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। विकास की धारणीयता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है, जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विकास या प्रगति का पिछन हमेशा चलने वाला पिछन है, हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने का की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हमें क्या बनना चाहते हैं और हमारा लक्ष्य क्या है। इसलिए विकास पर बहस जारी है और एक बनी रहेगी। इसी अध्याय से संबंधित ही आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी आप लोग देखते रहिए और एक से दो बार आप बुक्स पढ़िए, आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं मिलता है जो समझ में ना आए। ठीक है, बहुत अच्छी बुक्स लिखी है। तो दूसरा चैप्टर में हम लोग मिलते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की छिद्र देखेंगे हम लोग उसमें।